जय श्री राम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को हमारे चैनल की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग का वीडियो शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैंने जो कल रात में 2 बजे ब्लॉग शूट करा था उसके कुछ क्लिप्स हैं और इसका एक डिटेल वीडियो बाद में आएगा। तो इस वीडियो का मैं थोड़ा सा आपको थीम बता दूँ। इसमें पहले आपका जो लाइटिंग शो है, जिस तरह हमारे सिटी को, पटना को सजाया गया है, उसका पहले आएगा। उसके बाद कुछ इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है और लास्ट में आपको माता के दर्शन करने को मिलेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें हेडफोन का यूज़ ना करें, क्योंकि आप देख रहे हैं रास्ते में काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो कभी आपको हार्श हॉर्न या फिर विंड का आवाज़, क्योंकि मैं अभी बाइक से था तो काफ़ी तेज़ विंड का ब्लो आपको सुनाई दे सकता है। तो इसमें हेडफोन का यूज़ ना करें, आप ऐसे ही देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप लोग भी पटना से बिलोंग करते हैं, पटना के आसपास एरिया से बिलोंग करते हैं, और आपने अगर इन में से किसी भी माता के दर्शन या पंडाल का दर्शन किया हो तो कमेंट बॉक्स में आगे कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं वीडियो में क्या क्या इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। आपको अगर मालूम है कि अगर ये सजावट कहाँ पर की गई थी तो कमेंट बॉक्स में आगे कमेंट ज़रूर कर दें। काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ पर एक लिजर्ड है और दो कॉकरोच जैसा कुछ है, नीचे स्पाइडर वेब दिख रहा है। यहाँ पे एक प्यारा सा बटरफ्लाई है जो कि हवा में स्विंग कर रहा है लेफ्ट राइट, और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी खूबसूरत से सजाया जाता है पटना में इस खास प्लेस को, जहाँ पे बनाया गया था वहाँ पे लाइट का ही शो होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा और एक बच्चा छोटा कर रहा है, कुछ प्ले कर रहा है। ड्रम इंस्ट्रूमेंट है और बच्चा कुछ प्ले कर रहा है। यहाँ पे कैटरपिलर आपको दिख रहा होगा जो कि मलबेरी के पत्ते के ऊपर है, कोई ऐसा पत्ता जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया था, ये भी वही है, ठीक है। तो आप सभी जो भी लोग अगर आ सकते हैं पटना तो आकर के आप खुद देख लें, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आप देख सकते हैं। तो कुछ लाइटिंग शो के बाद आपको यहाँ मिलेगा। ये देखिए गणपति बप्पा थे, इसका हम लोग का शुरू हो जाएगा माँ के दर्शन, ठीक है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मैं आपसे भगवान से प्रार्थना करूँगा आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। आप देख सकते हैं धीरे धीरे आपको अलग अलग जगह की माँ का दर्शन हो जाएगा। तो ये छोटा ही वीडियो है जिसको मैंने लॉन्गिट्यूडनली शूट किया है, और इसका डिटेल वीडियो आपको अच्छे से एडिट होने के बाद, वैसे मुझे उतना ज़्यादा अच्छा एडिटिंग आता नहीं है जितना, लेकिन मुझसे बन पड़ेगा, मैं करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। आप बता सकते हैं ये कहाँ का ये है, यहाँ पे पंडाल के बाहर एक डेमन बनाया गया था, है ना। तो आप लोगों ने अगर एक्सप्लोर किया है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं जब वो बड़ा वाला वीडियो बनाऊँगा तो सभी का डिटेल मैं आपको वहाँ पर ऐड कर दूँगा। ऐसे आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आपको अलग अलग पंडालों के साथ मूर्ति का वहाँ पर डिटेल दिया जाता है। तो चलिए आप बने रहिए चैनल में, देखते रहिए लास्ट तक, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें माँ की काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत प्रतिमाएं हैं जहाँ से आप घर बैठे और कहीं पे भी होते हुए दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रा का पूजा ना हर जगह अलग अलग मनाया जाता है। पिछले साल मैं दिल्ली में था तो वहाँ पर पंडाल और मूर्ति स्थापना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर सिर्फ नवरात्रा में क्या होता है, रामलीला की झांकियाँ निकलती है, लोग रामलीला का जो होता है वो करते हैं, ठीक है। उसमें नाटक चलता है विजयदशमी के दिन और लंका दहन होता है। तो ये आपको बंगाल में, बिहार में, यूपी साइड में हो सकता है शायद होता हो, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ कहाँ पर पंडालों की स्थापना और माता का मूर्ति का स्थापना किया जाता है। देखते हैं आप माता का कितना प्यारा प्यारा प्रतिमाएँ लगाई गई हैं। यहाँ पर जब मैं शूट कर रहा था ना, तो एक भैया ने मेरे चैनल के बारे में पूछा था, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया था, उनको मैं दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे। ये अलग अलग जगह है का है, ये पूरा आपका जगदेवपुर से लेकर के डाक बंगला और बोरिंग रोड सब एरिया को मैंने कवर कर लिया था, और आज 2 बजे या 1 बजे रात को मैं निकलूँगा तो पटना सिटी के एरिया को मैं कवर करूँगा। उसका भी वीडियो आपको आगे आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप में से किसी भी भाई को या बहन को लगता है कि वो इस जगह पर गए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आगे कमेंट कर दें, ठीक है। मेरे लिए काफ़ी
अच्छा फीलिंग होगा क्योंकि बहुत सारे लोग पटना को एक्सप्लोर करेंगे, पटना के रहने वाले, पटना के बाहर के लोग, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है पटना में और ये काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है। इससे मैं लगता है कि हाँ कोई फेस्टिवल है जो कि मनाया जा रहा है। छठ के बाद ये दूसरा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें पटना में काफ़ी संख्या में लोग एक जगह पे एकत्रित होते हैं और अपने धर्म के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने आसपास के एरिया को, है ना, और सद्भावना का बना रहता है। इसमें लड़ाई झगड़ा छोटा बहुत होते रहता है। जैसे मैं आ रहा था तो आपका राजापुर साइड गोलघर की तरफ एक छोटा मोटा झगड़ा हो गया था, लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ पटना पुलिस को, जो कि हर एक नुक्कड़ चौराहे पर मौजूद थे और उन्होंने शांति व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से बना करके रखा था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कोई भी झगड़ा वगैरह ना करें, शांति से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच।